हेलो गाइस, माय सेल्फ इम्तियाज सर। टुडे आई वांट टू टीच यू ओपन स्काइज इंग्लिश बुक स्टैंडर्ड 6 क्लास सेकंड लेक्चर द चैप्टर ऑफ द चैप्टर 10 द कंटीन्यूअस रिवेंज। फर्स्ट पार्ट जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। द कंज्यूमर्स थ्रू द वॉच इन टू द मोटर एंड ग्रेब्ड स्लेज्ड हैमर फ्रॉम द टेबल। जो कंज्यूमर था, वो जादूगर जो था, वो गुस्सा होकर जो है उसे क्विक मैन से जो है वॉच मांगता है, उनसे वॉच लेता है। वॉच लेने के बाद क्या करता है, उसको जो है एक ओकुलिस टाइप का प्लेस होता है, उस पर रख देता है और जोर से हैमर पकड़ कर उस पर उसके वॉच पर दे मारता है। कौन? कंज्यूमर, ठीक है, जो जादूगर थे क्योंकि मैं जो उनको बार बार परेशान कर रहा था, इस कारण से उसके घड़ी लेकर के उनसे रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए इस तरीके का वो काम करता है। ठीक है, देर वॉज साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, और वो जो जो उस पर हथौड़ा दे मारा, समझ गए, वो स्मैश करके टूट जाता है, समझ गए। और इस कारण से जो है ही हैज़ स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव, विस्पर द क्यूकमैन। अब क्यूकमैन क्या कहता है कि नहीं, वो जो है जो उसको तोड़ा, ठीक है, वो तोड़ने का जो साउंड था, ऐसा कुछ वो कह रहा है, ठीक है, तोड़ने का जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है, उसके स्लीव से आ रहा है। नाउ सर कंटिन्यू द कंज्यूमर, विल यू अलाउ मी टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल्स इन इट। ठीक है, अब कह रहा है कि हाँ, मैं अब आगे और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। कंज्यूमर कहता है जादूगर कहता है कि मैं आगे और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दे, अगर आप मुझे आदेश दे तो आपके हैंडकरचीफ रुमाल में जो है मैं पंच मारकर उसे होल कर दूँ, यानी मुक्का मारकर मैं उसे होल कर दूँ, छेद कर दूँ। थैंक यू सी लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो रिसेप्शन, द होल्स आर विजिबल टू द आई। ठीक है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको जो है वो क्या कर दिया, उसको पंच मार कर क्या कर दिया, उसके हैंडकरचीफ में होल कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ छुपने की चीज़ नहीं है, आप अपने आंखों से देख सकते हैं। द फेस ऑफ द क्यूक मैन बीम्ड दिस टाइम, द रियल माइस्ट्री ऑफ द थिंग्स फैसिनेटेड हिम। नाउ सर विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट, थैंक यू। ठीक है, अब वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे उसे सामान ले रहा था। पहले तो उसका घड़ी लेकर के स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, सेकेंड उसका हैंडकरचीफ लेकर के ऐसा पंच मारा, उसमें होल कर दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे आदेश दें, अगर आप मुझे प्लीज़, मतलब कृपया कर बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे अपना हेड दें, सिल्क हेड जो वो अपने क्यूकमैन जो पहना हुआ था, प्लीज़ आप मुझे वो हेड दें ताकि मैं उस पर डांस कर सकूं। ठीक है, द कंज्यूमर मेड सम मूवमेंट विद हिज फीट एंड एग्जिबिटेड द हैट। ठीक है, उनसे कैप लेकर, पोलाइटली कैप मांगता है और कैप लेकर जो है नीचे रख देता है और उस पर जो है वो डांस करता है। क्रस्ट भी ऑन द रिकग्नाइशन, और उसके जो हेट होता है उसको जो है वो थोड़ा मतलब क्रैश कर देता है, मतलब बेकार कर देता है। ठीक है, ये उनका क्यूकमैन का जो है तीसरा सामान लॉस करता है, पहला वॉच, दूसरा हैंडकरचीफ, तीसरा उनका हेट। ठीक है, विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इन इट द कैंडल। ठीक है, थैंक यू। अब क्या कह रहे हैं कि क्यूकमैन से कह रहे हैं कंज्यूमर कि आप मुझे अगर आदेश दें तो मैं अपने कैंडल जलाकर, कैंडल से जो है आपके शर्ट का जो कॉलर है मैं उसको जला दूँ। ठीक है, नाउ सर यू विल अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टेकल्स फॉर यू विथ माई हैमर, थैंक यू। अब वो पहले क्या, उसके बाद वो क्या कर दिया, कैंडल जलाकर उसके शर्ट का जो कॉलर होता है उसको जला देता है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि अगर आप आदेश दें तो मैं आपका स्पेक्टेकल्स जो है, जो चश्मा है, मैं उसको जो है हैमर से तोड़ सकूँ। ठीक है, अब उसका चश्मा लेकर जो है हैमर से उसका तोड़ देता है, लेकिन कुछ भी तोड़ता है तो उनके परमिशन लेकर तोड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब सडन तोड़ देता है, ऐसा भी बात नहीं है। By this time the features of the cute man were taking on a puzzled expression. अब देखो धीरे धीरे क्या कर रहा था, उसका सारा सामान जो है कंज्यूमर जो तोड़ रहा था। ठीक है, बहुत सारा सामान उसका नुकसान कर दिया, घड़ी तोड़ दिया है, रुमाल में छेद कर देता है,
उसके टोपी को टोपी पे वो चढ़कर डांस कर स्मैश कर देता है, ठीक है। उसके बाद उसके स्पेक्टेकल तोड़ देता है, चश्मा जो था उनके पास जो पहना हुआ था वो तोड़ देता है हैमर से। उसके बाद उसका जो शर्ट का कॉलर था वो जला देता है। अब उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है, किसके साथ। अब क्यूबमैन को समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दिस थिंग्स बिट्स मी ही विस्पर्ड आई डोंट से थ्रो इट अ बेट। अब उनको समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मतलब बीट किया जा रहा है, मतलब जो एक बदला होता है, एक रिवेंज होता है वो हो रहा है मेरे साथ। और उनको समझ में आ जाता है क्यूबमैन को कि मेरे एक एक करके सामान छाड़ा जो है मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, ख़त्म कर रहा है, ये मेरा एक बदला ही है। देर वॉज अ ग्रेट हश अपन द ऑडियंस, मतलब एक खामोशी सा छा जाता है, मतलब पूरे ऑडियंस में जो जितने दर्शक थे सब में खामोशी सा छा जाता है। Then the consumer drew himself up to his full height and with a withering look at the cute man he concluded, "Ladies and gentlemen, will you observe that I have, with this gentleman's permission, broken his watch, burned his collar, smashed his spectacles and danced on his head." ठीक है, अब जो है कंज्यूमर कहता है कि आप लोग अभी देख रहे थे कि मैं क्या जादू दिखा रहा था, ठीक है, उसमें तो कुछ छुपा हुआ नहीं था, वो तो मेरे हाथों में छुपा हुआ नहीं था, वो मेरे स्लीव में तो छुपा हुआ नहीं था, वो क्या दिखा रहा था, मैं वो रियल का आपको उसको जादू दिखा रहा था, कंज्यूम कर रहा था मैं, ठीक है। तो वो सच का ट्रिक था, वो तो कोई झूठा ट्रिक नहीं था, वो मेरे स्लीव में कोई छुपा हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, क्यूबमैन को भी समझ में आ जाता है कि मेरे साथ जो है बहुत मतलब गलत हो रहा है। अब वो जो कंज्यूमर है वो कहता है कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे मैं इनका जो है किन सब सामान का नुकसान करता है वो आप बताता है कंज्यूमर, मैं इनके परमिशन से, कंज्यूमर कहता है कि मैं क्यूबमैन के परमिशन से उनके वॉच को तोड़ा, उनके कॉलर को जलाया, हाँ, उनके स्पेक्टेकल्स को तोड़ा, उनके हेड पे नाचा। इफ विल गिव मी फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन हिज ओवरकोट, कह रहा है कि अगर मुझे आगे भी और परमिशन दे तो मैं इस ये जो कोट पहना हुआ है मैं इसके कोट पे स्ट्राइप कर दूँ, क्या कर दूँ, पेंट ग्रीन स्ट्राइप्स, यानी ग्रीन कलर का जो पेंट है मैं उस पे स्ट्राइप मतलब पट्टीदार स्ट्राइप कर दूँ, मतलब अब उसके कोट को भी नुकसान पहुँचाना चाहता था कंज्यूमर। और इट और टू टाई हिज सस्पेंडर्स इन अ नोट, आई शैल बी डिलाइटेड टू इंटरटेन यू, ठीक है, कह रहा है कि हाँ अगर ये परमिशन दे तो मैं ये करूँ और मुझे बहुत खुशी होगा, ठीक है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं, द परफॉर्मेंस इज एट एंड, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा जो परफॉर्मेंस था वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जो क्यूबमैन वो उसको दे भला कोट अपना बर्बाद करने के लिए, क्योंकि क्यूबमैन को समझ में आ गया था कि मेरा एक एक सामान करके क्या कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है, तो जो है उनको परमिशन नहीं देता है, ठीक है। अब क्या कहता है कंज्यूमर, जादूगर कहता है कि अगर ये परमिशन नहीं देता है तो मेरा जो जादू था वो यहाँ तक का ही था, जादू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आई मेड ए ग्लोरियस बस्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, और उसी बीच में जो है ग्लोरी एक म्यूजिक होता है, ऑर्केस्ट्रा का जो म्यूजिक होता है वो बजता है, ठीक है। अ कर्टन फेल, पर्दा जो होता है बड़ा बड़ा कर्टन होता है ऑर्केस्ट्रा में, वो गिरता है। एंड द ऑडियंस ब्रोक अप कन्विंस्ड दैट देयर आर सम ट्रिक्स, ठीक है। अब वो जो ऑडियंस था वो सब बोल उठता है कि नहीं कुछ तो ट्रिक होता है, जादूगर अगर कोई जादू दिखाता है कुछ तो ट्रिक है उनके पास, ऐसा नहीं है। एट एनी रेट दैट आर नॉट द कंज्यूमर्स स्लीप, ठीक है, चाहे कुछ मतलब किसी भी कीमत पे सब कुछ वो अपने स्लीप में छुपा नहीं रख सकता है, ठीक है, कुछ तो चीज़ है वो जादू दिखाता है, मतलब ये ऑडियंस को जो है समझ में आ जाता है, ठीक है। गाइस अगर इसमें क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर हम आपको बताएं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो है गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।